नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं कोसी तक। दोस्तों, इस वक्त मैं सुपौल में हूं, बिहार के सुपौल जिला में, और ये आप देख सकते हैं यहां से थोड़ी ही दूर पे बस स्टैंड है, सुपौल बस स्टैंड है। और आपको मैं दोस्तों बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं सुपौल से। आपको बता दें कि ये जो सड़क है, ये जो रोड है, सुपौल टू सरायगढ़ भवटियाही SH 76 है, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुपौल वासियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और आपको बता दें कि पिछले लगभग 6 महीने पहले से ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ, और बताया जा रहा है कि लगभग अगले वर्ष में इस काम को पूरा कर दिया जाएगा और ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि पहले जो रोड बनी हुई थी, कुछ इस प्रकार से रोड थी, और उसी रोड के ऊपर ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। और ये ओवर ब्रिज जो है सुपौल बस स्टैंड से 0.5 किलोमीटर पहले से होकर और बस स्टैंड से होते हुए रेलवे क्रॉस करके लोहिया नगर चौक क्रॉस करते हुए, आपको बता दें कि ये सहरसा वाली रोड में चली जाएगी। और आपको बता दें कि ये इस ओवर ब्रिज को बनने से सुपौल वासियों को काफ़ी राहत होगी, और सुपौल ही नहीं, सुपौल के आसपास के ज़िलों से आने वाले यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि आए दिन जाम की समस्या लगती रहती है। और दोस्तों आपको बता दें कि सुपौल खास करके रेलवे क्रॉसिंग जो चौक है, बस स्टैंड रेलवे क्रॉसिंग है लोहिया नगर चौक के समीप, प्रतिदिन जाम की समस्या लगती है। और कहीं ना कहीं इस ओवर ब्रिज को बन जाने से सुपौल में जाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी, और आसपास के ज़िलों से आने जाने वाले यात्रियों को भी काफ़ी सुविधा होगी। और आप देख सकते हैं मिट्टीकरण का कार्य भी हो रहा है, और आगे जो है कई लगभग 3-4 पिलर का भी निर्माण हो चुका है। आपको बता दें कि बस स्टैंड के समीप 1 पिलर का निर्माण हो चुका है, और उससे आगे लोहिया नगर चौक के समीप 3 पिलर का निर्माण हो चुका है, और भी 2-3 पिलर बनाए जाएंगे। उसके बाद से जो है मिट्टीकरण का भी कार्य पूरा किया जाएगा, और जो साइड से जो इसका पिलर लगता है वो भी लगाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द, यानी कि 6 महीने तक में इस ओवर ब्रिज को तैयार कर दिया जाएगा, अर्थात अगले वर्ष में, यानी कि 2023 में इस ओवर ब्रिज का उद्घाटन भी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस अपडेट के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।